बालूगंज क्रॉसिंग के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड हो गया है। और यहां आपको बता दें कि चौड़ा मैदान पर बने रेन शेल्टर के धसने की घटना भी सामने आई है। इस लैंडस्लाइड से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, दीपक प्रोजेक्ट समेत कुछ अन्य विभागों के कार्यालय भी जद में आ गए हैं। भारी भूस्खलन होने से आसपास के क्षेत्रों में खतरा बन गया है। अब तक की स्थिति की बात करें तो सामान्य जब तक स्थिति नहीं होती है। यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, यातायात को डायवर्ट किया गया है। बालूगंज से क्रॉसिंग होते हुए जाने वाला यातायात अब वाया चक्कर से होकर भेजा जा रहा है। वहीं बालूगंज से चौड़ा मैदान जाने वाले वाहन वाया समरहिल होकर जा पा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा, एक साल पहले भी ये जगह धसना शुरू हो गई थी, तब भी ध्यान नहीं दिया गया था। इस सड़क पर भारी वाहन गुजरते रहे, लेकिन पानी के रिसाव को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। क्या वजह जो है, एक तो पानी का बहुत अधिक रिसाव होना, और एक जो पानी की एमसी की सबसे ज्यादा लीकेज जो है, इसका मुख्य कारण है। उसके ऑपोजिट एक दूसरा रोड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का, जिसको अंग्रेजों के टाइम से वो रोड खुला चला आ रहा था। चंद एक साल से ही दो तीन अफसर ऐसे आए जिन्होंने ये रोड बंद कर दिया है, और वहां से जनता को तक जाने नहीं देते। आज की इस रोड, दोनों रोड को बंद होने से ये समस्या हो गई है कि कम से कम वो पैदल जो जनता है वो चली जाए, और एम्बुलेंस दो जो गाड़ियां हैं उनको लिए ये रोड खोल दिया जाए। देखो जी, जो ये सर नीचे दोनों रोड हुए, ये तो एक तो यहाँ पर मेंटेनेंस की कमी रही है हमेशा, और कोई मतलब ऊपर ऊपर से मेंटेनेंस होती थी और बाकी कोई मेंटेनेंस इसकी कंप्लीट नहीं हुई, और इसलिए बालूगंज बाजार का तो अब तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंद हो गया। एक ऊपर रोड है हमारे एडवांस स्टडी वाला, इन्होंने अब ना जाने कौन सा इनका कानून है, क्या कर रहे हैं, इन्होंने उपला रोड बंद कर दिया है। तो मॉनसून के सीजन में देखिए, भूस्खलन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और जिस तरह से अब भूस्खलन की घटना सामने आई है, मॉनसून के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए, फिलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, इतने ट्रैफिक इस बालूगंज इलाके से नहीं जा पाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से देखिए, सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें और गड्ढे बन गए हैं। अब ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरह से एक बार फिर भूस्खलन के बाद यहां पे समस्या खड़ी हो गई है, इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई थी। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की, कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए बालूगंज क्रॉसिंग में ये लैंडस्लाइड हुआ था, हालांकि दो दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ, और पिछले कल शाम को फिर से जो विधानसभा से चौड़ा मैदान के बीच में रेन शेल्टर है वहां पर दरार पड़ी थी और वहां फिर से भूस्खलन हुआ, और उसकी वजह से ये सड़क पूरी तरह से धंस गई और अब आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। तो ऐसे में जो ये दोनों है, चाहे क्रॉसिंग वाली बात की जाए या फिर बालूगंज चौड़ा मैदान सड़क वाली बात की जाए, तो वैकल्पिक मार्ग यहाँ के लिए आवाजाही के लिए भी रखे गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में जो दरारें पड़ी हैं उससे और खतरा पैदा हो गया है कि कुछ और ऐसे क्षेत्र भी इसके जद में आ सकते हैं। तो आज जो डीसी शिमला है अनुपम कश्यप, इनकी अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक हुई है, और उसमें ये तय किया गया है कि जो ये सारे क्षेत्र है वहाँ का जियोलॉजिकल सर्वे भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि नुकसान कहाँ पर हो सकता है, तो वहाँ प्रिकॉशनरी क्या चीजें की जा सकती हैं। तो इसको लेकर बातचीत, बैठक में बातचीत हुई है, और इसके बाद लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अभी वहाँ पर सतर्क रहें, क्योंकि आवाजाही वैकल्पिक मार्ग से ही करें, क्योंकि कुछ स्थानों पर अभी भी दरारें हैं तो खतरा वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जो मार्ग है उसको बहाल करने की, जो क्रॉसिंग वाला मार्ग है उसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी, और उसमें भी देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, क्योंकि शिमला में लगातार जो बारिश हुई है उससे मिट्टी जो है वो ढीली पड़ गई है, तो इस वजह से कुछ और भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें अभी देखने को हैं, और अधिकारियों के स्तर पर बैठक का दौर जो है वो आज चलता रहा, और इसके साथ साथ बाकी भी जो हम कह सकते हैं कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, एहतियातन कदम, उनको लेकर भी चर्चा की गई है। जी,
तो आगे भी कुछ चर्चा की गई है ताकि कुछ और बड़े कदम उठाए जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।